नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मुंशी जी के CRM में कैसे वर्क करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप सभी के पास साइट का एड्रेस होगा, सो munshijeecrm.cognixis.com ये टाइप कर दिए अपने ब्राउज़र पे। आपको जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया है उसको इस विंडो में डालिए और साइन इन को क्लिक करिए। आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही है तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे चार टैब हैं, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट, टिकट्स, ऑल। आपको केवल ऑल के अंदर सेल्स ऑर्डर के अंदर अभी काम करना है, बट पहले आप जान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में हम सभी की डिटेल दी हुई है। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपके नाम का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्रिएटेड है या नहीं है। जैसे विवेक भाई का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड है, जब हम सेल्स ऑर्डर भरेंगे तो हमको ये यूज़फुल होगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल क्रिएटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आदर्श को पिंग करके अपडेट कर दीजिए तो वो वहाँ पर क्रिएट कर देगा। इसको चेक करने के बाद जब भी आपके पास कोई नया काम आएगा आपको ऑल में क्लिक करना है। यहाँ से आप सेल्स ऑर्डर में जाएंगे, सेल्स ऑर्डर को क्लिक करिए। सेल्स ऑर्डर में जो भी सेल्स ऑर्डर बने हुए हैं वो डिटेल आपको यहाँ दिखाई देंगे। नया सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ऐड सेल्स ऑर्डर का बटन क्लिक करिए। यहाँ पे सब्जेक्ट में जो भी सेल्स ऑर्डर आपको जनरेट हो रहा है, जो भी आप बिजनेस जनरेट कर रहे हैं वो डिटेल डाल दीजिए। जस्ट लाइक कि वेट रिटर्न फॉर आपका क्लाइंट नाम। ये खुला छोड़ दीजिए, क्वार्ट नेम भी छोड़ दीजिए, कॉन्टैक्ट नेम भी छोड़ दीजिए, करियर भी छोड़ दीजिए, स्टेटस को आप सेलेक्ट कर दीजिए क्रिएटेड, ड्यू डेट को आप आने वाली कोई भी एक वीक का डेट डाल दीजिए, राइट। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे विवेक भाई का मैं ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर देता हूँ। ये पूछेगा आपका एड्रेस करना है, इसको अभी नो कर दीजिए फिलहाल के तौर पर। असाइन टू आदर्श गोयल को असाइन कर दीजिए। ये हमारे यहाँ के PRO हैं जो टास्क को असाइन, जो भी व्यक्ति संबंधित हैं उसको असाइन करते हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप क्लाइंट का एड्रेस डाल दीजिए, सपोज क्लाइंट का घर का नंबर कुछ XYZ है, जो भी है। शिपिंग को NA डाल दीजिए, शिपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। जब आप नीचे आएंगे तो आइटम नेम में आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, वेट रिटर्न आपका प्राइस है 999 रुपये, आपने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो सपोज अगर 999 नहीं है, यहाँ पे आप 1200 कर रहे हैं चार्ज, तो ये एडिटेबल है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इंश्योर करिएगा कि करेंसी यहाँ पे इंडियन रुपीज सेलेक्ट हुई हो, ओके। ये करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, तो जो आपने 1200 रुपये चेंज किया था वो यहाँ पे सेव हो जाएगा और ये मुझको दिखने लगेगा। तो वापस अगर आप सेल्स अगर जाएंगे वापस, अगर मैं सेल्स ऑर्डर को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखिए विवेक जैन पार्टनर का सेल्स ऑर्डर 1200 रुपये आदर्श जैन का साइन है, ओके। अब इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करने हैं तो आप यहाँ पे आइए, एक फोल्डर क्रिएट करिए। तो हो सके तो अपने क्लाइंट का नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, क्लाइंट नाम, और आप अपना नाम भी डाल दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम सपोज विवेक का है तो विवेक का अपना नाम डाल दिया, क्लाइंट विवेक, फोल्डर का जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ लिख लीजिए, इसको सेव कर दीजिए। जब ये फोल्डर हो जाएगा तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को एड कर दीजिए, असाइन टू अगेन आदर्श, फोल्डर का नाम विवेक, जो भी आपने विवेक चेंज किया, जो भी टाइटल डालना है, सपोज वेट का कॉप है, पैन कार्ड की कॉपी है, और यहाँ पे उसको इंटरनल करके चूज फाइल करके आप वो कॉपी अपलोड कर लीजिए। सपोज मैं पैन कार्ड की कॉपी अपलोड कर रहा हूँ और उसको सेव कर दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट आ गया, मेरे अपलोड आ गए, मेरे अपडेट आ गए और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट भी आ गया। और जब ये हो जाए तो WhatsApp में एक पिंग कर दीजिए, WhatsApp में आदर्श को बता दीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है
और यहाँ से आपको ये अपडेट मिलने लगेगा। जो भी जानकारी होगी, हम डॉक्यूमेंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि सब कुछ रिटर्न में हो और आपको आपके काम के बारे में पता चले, आपको कितना कमीशंस मिल रहा है वो भी आपको डिटेल अपडेट करता रहे, और हमारे पास मंथली एक रिपोर्ट भी क्रिएट हो जाएगी कि किस फ्रेंचाइजी ने हमारे साथ कितना काम किया। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।